In the last class, we were doing types of weather forecasting, short range weather forecast, medium range weather forecast and long range weather forecast. ये हम लोग कर चुके थे. और किसका ज्यादा एक्यूरेसी होता है? शॉर्ट रेंज का. और मौसम पूर्वानुमान समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है. किसमें ज्यादा इसका यूज किया था ये भी हम लोग किए थे. एविएशन फॉरकास्ट किया जाता है, शिपिंग फॉरकास्ट, लोकल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड फॉरकास्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम लोग मेथड्स ऑफ वेदर फॉरकास्ट करेंगे. मौसम पूर्वानुमान की विधियां क्या क्या है. तो अभी तक तो हम लोग जान चुके हैं कि वेदर फॉरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान मौसम विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. अगर हम इसको सीधी तरीके से एटमोस्फेयर के रिसर्च से जोड़े तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को मौसम संबंधी सूचनाओं को आंकड़ों को डेटा को कलेक्ट किया जाता है. उसकी आवश्यकता होती है, उसके वेरिएबल्स जो आते हैं, जो मौसम विचार आते हैं उनको उनका सांख्यिकीय और गणितीय विधियों से विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तब जाके सिनॉप्टिक चार्ट बन पाता है यानी मौसम मानचित्र बना पाते हैं. तो इसके आधार पे उसके बाद उसका प्रिडिक्शन करना होता है, प्रिडिक्शन किया जाता है. पहले चार्ट बना लिया, देन उसके आधार पर उसको प्रिडिक्ट किया जाता है. तो इस तरह का अगर मौसम पूर्वानुमान में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है, मॉडल्स के का यूज हो रहा है, उस समय डेटा का एनालिसिस किया जाता है. डेटा का एनालिसिस करने के लिए we use statistical method, we use mathematical calculation, गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है. तो मौसम पूर्वानुमान की normally, generally, there is two method, दो विधियां हैं. पहला है individual forecasting, दूसरा है professional weather forecast method. So पहला जो है व्यक्तिगत पूर्वानुमान विधि, व्यक्तिगत पूर्वानुमान विधि यानी इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग मेथड. अब व्यक्तिगत क्यों नाम दिया गया है यहाँ पे, इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग मेथड हम लोग कह रहे हैं, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष मौसम संबंधी अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, चाहे वो स्काई से रिलेटेड हो, बादल से रिलेटेड हो या फिर विंड से रिलेटेड हो, और जो भी लोकल वेदर है उसके कंडीशन से रिलेटेड जो भी परिवर्तन होता है वो, या फिर हम देखें कि जीव जंतु की क्या रिएक्शन होते हैं, और मतलब इन सब बातों का पूर्व कथन किया जाता है. मतलब भावी मौसम इन सब के आधार पर मौसम का प्रिडिक्शन किया जाता है इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग के आधार पर. इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग व्यक्ति विशेष का मौसम संबंधी अनुभव, या फिर समाचार पत्र में कुछ प्रकाशित हुआ, या फिर कुछ लोकोक्ति के माध्यम से, या जीव जंतु का कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो इन सब के आधार पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं मौसम ऐसा होगा. ये तो हो गया इंडिविजुअल. सेकेंड इज प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड, व्यवसायी मौसम पूर्वानुमान विधि. व्यवसायी मौसम पूर्वानुमान विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो जो कम्युनिटी है, जो जिसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि मौसम से विभाग में जुड़े हुए हैं उनसे काम करते हैं, तो मौसम पूर्वानुमान सेवा द्वारा अपना जो इसमें प्रेडिक्शन होता है, और इसमें बेसिकली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, वो सारे विधियों को जो प्राप्त किया जाता है, उन सारे आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है, और सही सही डेटा प्राप्त करके यानी कि मौसम से रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए, जो भी आंकड़ा चाहिए, मौसम का तत्व क्या क्या है, पहले भी आप जानते हो, पढ़ चुके हो, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, तो बहुत सारा मौसम का तत्व है, एलिमेंट है वेदर का. तो इन सब का अगर कलेक्शन, इनका डेटा अगर अवेलेबल है, तो ये डेटा को कलेक्ट करके इस पे आधारित वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक यंत्रों से इन डेटा को प्राप्त करते हैं, और उस पे आधारित होता है ये प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड. यानी अधिकांश लोग जो हम लोग पहले वाला मेथड बोले इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग यानी व्यक्तिगत पूर्वानुमान, ये तो मतलब हम लोग बोल रहे हैं, बट ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट पे कैलकुलेट होके आया है, जो वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से जो हमें डेटा प्राप्त हो रहा है,
उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे, इट इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा सही होगा, उन पे विश्वास कर सकते हैं, उन पे भरोसा कर सकते हैं कि ये ज्यादा सही होगा। तो अधिकांश लोग मौसम पूर्वानुमान की जो दूसरी विधि है, दिस इज प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड, व्यवसायी मौसम पूर्वानुमान विधि, इस पे ही ज्यादा विश्वास है और भरोसा है। तो प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट सर्विसेज ये जो मौसम पूर्व कथन के लिए तीन वैज्ञानिक विधियां अपनाती है। यानी पहला तो हो गया इंडिविजुअल, इसमें तो ज्यादा कुछ डेटा वेटा का यूज रहता है, हम लोग बोल रहे हैं आज मैंने बोला कि जैसे आप बोलते हो ना कि इसमें ये पुरवाई हवा चल रही है तो आगे ऐसा मौसम होने वाला है, जैसे हम लोग लोकोक्ति में भी सुने थे, या फिर जानवरों का कुछ प्रतिक्रिया हो, या फिर मैंने आज देखा कि आज ऐसा मौसम है तो हो सकता है तो शाम को बारिश होगी। दैट इज माई प्रिडिक्शन, दैट इज ऑन एम्पेरिकल मेथड, मेरे अनुभव के आधार पर, इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी। तो लेकिन जो दूसरा मेथड है, प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो मौसम विभाग में काम करते हैं, दैट दे आर प्रोफेशनल, उनको बहुत सारे उपकरण यंत्रों के माध्यम से जो डेटा कलेक्शन होता है उसके आधार पर वो प्रिडिक्शन करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। सो इट इज मोर एक्यूरेट। तो ये जो प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्टिंग सर्विसेज हैं, ये मौसम पूर्व कथन के लिए यानी प्रिडिक्शन के लिए तीन साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ये जो प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्टिंग मेथड है, इसमें अगेन तीन तरह के विधियां यूज होती हैं। वो कौन सी विधियां हैं? तो जो पहली विधि यूज होती है इन इन प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्टिंग यानी व्यवसायी मौसम पूर्वानुमान में जो विधि यूज होती है, वो पहला विधि है सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान विधि। इसका नाम दिया गया है सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान विधि, सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्टिंग मेथड। अब सिनॉप्टिक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल अगर हम लोग लैंग्वेज में बात करें, सामान्य भाषा में, तो सिनॉप्टिक का सामान्य अर्थ होता है समय के संपाती। मतलब समय के संपाती का मतलब होता है समय के अनुकूल, दैट इज सिनॉप्टिक, जिसको बोलते हैं ना कोइंस्टेंस इन टाइम, कोइंस्टेंट इन टाइम, समय अनुकूल या समय के संपाती। तो सिनॉप्टिक का जो वर्ड मीनिंग है या फिर शाब्दिक अर्थ है कोइंस्टेंट इन टाइम, समय के संपाती या समयानुकूल। लेकिन मौसम विज्ञान की दृष्टि से वेदर जो साइंस है उसकी दृष्टि से सिनॉप्टिक का मतलब, सिनॉप्टिक का तात्पर्य किसी निश्चित समय में विस्तृत क्षेत्र के मौसम की दशाओं के को लिया जाता है। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र, एक डेफिनेट एरिया को लिया गया और उस क्षेत्र के मौसम की दशाओं को लिया गया, दैट मीन्स वो सिनॉप्टिक चार्ट है उस क्षेत्र का। अगर हम रांची का सिनॉप्टिक वेदर चार्ट बनाते हैं तो यहाँ बोला जा रहा है किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में। तो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल, आज है आपका अर्थ डे। तो यहाँ पे अगर हम रांची का देखते हैं किसी निश्चित समय, आज हम लोग देख रहे हैं सुबह से बहुत बादल हो रही है, तो निश्चित समय में देख रहे हैं, मॉर्निंग से देख रहे हैं फ्रॉम 6 o'clock टू अभी तक देख रहे हैं तो 11 बज गया है, अभी 11 से ज्यादा हो गया है। तो इस समय में मौसम की दशाएं कैसी है? मौसम की दशाएं जिस प्रकार है, कॉन्स्टेंट इन टाइम, समय के संपात, समय के अनुकूल इसको बोला जा रहा है, फिर उसके अनुसार उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा है तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता ली जा रही है, वैज्ञानिक विधियों की सहायता ली जा रही है। तो सिनॉप्टिक का तात्पर्य यही हो गया कि किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र के मौसम के दशाओं का ज्ञान करना। तो सिनॉप्टिक मौसम यानी सिनॉप्टिक वेदर का मीनिंग मतलब विस्तृत क्षेत्र, यानी कम से कम कितना एरिया होना चाहिए, 2,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होना चाहिए। तो 2,500 स्क्वायर किलोमीटर की मौसम दशाओं के समय विशेष में सामान्य दशा से मतलब है कि वहां का सिनॉप्टिक मौसम कैसा है। 2,500 स्क्वायर किलोमीटर
काफी लंबा एरिया होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र, एक्सटेंसिव एरिया है, तो वहां का मौसम दशा ऐसा होगा। ये हम सिनॉप्टिक मौसम का मतलब यही होता है। तो किसी अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो किसी समय विशेष में किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम उस क्षेत्र का कितना होना चाहिए क्षेत्रफल, 2500 स्क्वायर किलोमीटर, 2500 वर्ग किलोमीटर अवश्य होना चाहिए उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, तभी हम उसका मौसम की दशाएं प्राप्त करेंगे सिनॉप्टिक मेथड के अनुसार। सो 2500 स्क्वायर किलोमीटर, 2500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत क्षेत्र में मौसम की दशाओं का आकलन करना, मौसम की दशाओं का सामान्य रूप को सिनॉप्टिक मौसम कहते हैं, सिनॉप्टिक। सो किसी भी एक्सटेंसिव एरिया में करीब 12 घंटा हो या 24 घंटा का मौसम दशा, वेदर का जो कंडीशन है, सिनॉप्टिक मौसम के आधार पर जो पूर्व कथन किया जाता है, जो प्रिडिक्शन किया जाता है, तो सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान उसे कहते हैं। सो सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान, अगर हम बात करें सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान, सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्टिंग क्या है? सो सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान पर अगर आधारित अगर हम वेदर फॉरकास्ट विधि जो कहलाएगी, वो कहलाएगी सिनॉप्टिक वेदर फॉरकास्टिंग विधि मेथड। तो सिनॉप्टिक का मतलब आप लोग समझ गए कि लगभग कम से कम किसी क्षेत्र में किसी एक्सटेंसिव एरिया, इसका कितना एक्सटेंसिव एरिया, तो कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंसिव एरिया में यहाँ पे बताया गया है 2500 वर्ग किलोमीटर, 2500 स्क्वायर किलोमीटर, वहां की मौसम दशाओं के समय विशेष में समग्र जो सामान्य दशा से होता है, दैट इज सिनॉप्टिक मौसम। तो किसी समय विशेष में किसी विस्तृत क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल होना चाहिए 2500 स्क्वायर किलोमीटर, मौसम की दशाओं का सामान्य रूप को सिनॉप्टिक मौसम कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे 1950 के दशक में मौसम पूर्वानुमान की सिनॉप्टिक विधि को इम्प्लीमेंट किया गया था और मौसम पूर्वानुमान की ये प्रमुख विधि रही है, लेकिन उसके बाद जो अपर एटमॉस्फेयर है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब मौसम संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता, मौसम प्रिडिक्शन की जो उसमें जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग तो बढ़ गया अभी नाउ डेज। तो अभी जो कैलकुलेशन का मेथड, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज बढ़ गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज बढ़ गया है, तो इसका बढ़ता हुआ प्रयोग के कारण ये जो सिनॉप्टिक विधि है उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम हो गया, इसकी सार्थकता थोड़ी कम हो गई है, घट गई है। तो सिनॉप्टिक विधि की जो प्रोसीज्योर है, जो सिनॉप्टिक मेथड का जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत दो तरह के चार्ट का निर्माण किया जाता है, दो तरह का चार्ट बनाया जाता है। पहला चार्ट होता है सिनॉप्टिक चार्ट, जिसका नाम है मौसम मानचित्र का चार्ट, ठीक है। दूसरा होता है प्रीबार्टिक, प्राग्नोस्टिक भी बोला जाता है, प्रीबार्टिक भी बोला जाता है। तो ये जो पहला चार्ट है सिनॉप्टिक चार्ट, इसमें कुछ घंटों का तापमान हुआ, टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, सर्कुलेशन विंड का, डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सभी तरह का आंकड़ा को उपलब्ध करा के उसको मौसम यंत्र से नापा जाता है, मापा जाता है, यानी सभी तरह का डेटा को पृथ्वी की सतह पे मौसम यंत्र जो है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे मापा गया, मापा जाता है, और उसके आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन यहाँ दूसरा प्रकार जो बताया जा रहा है प्रीबॉर्टिक, प्रीबॉर्टिक यानी प्राग्नोस्टिक चार्ट जिसको कहा जा रहा है, प्रोग्नोस्टिक चार्ट का निर्माण सिनॉप्टिक चार्ट के आधार पे किया जाता है। पहले सिनॉप्टिक चार्ट बन गया है, उसके आधार पर अब सिनॉप्टिक चार्ट के आधार पे अगले चंद घंटों में मौसम की कैसी फ्यूचर प्रोजेक्शन होने वाला है, कैसा होने वाला है, इसको बताया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो सिनॉप्टिक चार्ट बनेगा तभी जाके प्रोग्नोस्टिक चार्ट भी बनेगा, यानी सिनॉप्टिक चार्ट जो एग्जिस्टिंग मौसम है, अभी का क्या मौसम है उस समय का आपको डेटा प्राप्त हो रहा है, अभी ऐसा तापमान है, वायुदाब ऐसा है, वायु की दिशा ऐसी है, दशा ऐसी है, वेलोसिटी ऐसा है, ह्यूमिडिटी ऐसा है, इसका आपको डेटा प्राप्त हो रहा है, मौसम अभी वर्तमान समय का मौसम की दशाएं को प्राप्त कर रहा है सिनॉप्टिक चार्ट। वही प्राग्नोस्टिक चार्ट भावी मौसम की दशाओं को बताता है, यानी उस चार्ट के आधार पे हम आगे का प्रिडिक्शन करते हैं, दैट इज प्राग्नोस्टिक चार्ट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ गर्ल्स, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके।
सिनॉप्टिक, जो ये जो पहला जो मैंने बोला सिनॉप्टिक चार्ट, यानी वो एक चार्ट है, जैसे आप बहुत सारे डायग्राम बनाते हो तो आपको एक डेटा दिया जाता है, फिर उसके आधार पर आप बनाते हो। तो यहाँ पे सिनॉप्टिक चार्ट वैसा चार्ट या वैसा मौसम मानचित्र है जिस पर किसी समय विशेष में, किसी स्पेशल ड्यूरेशन में, किसी भी एक्सटेंसिव एरिया का, किसी विस्तृत क्षेत्र का मौसम संबंधी दशाओं को प्राप्त किया जाता है। यानी डेटा मिल गया तो वहां का हमको वेदर रिलेटेड कंडीशन भी पता चल जाएगा। तो उसको कैसे बताया जाएगा सिनॉप्टिक चार्ट में? सिंबल्स के द्वारा। यानी वेदर का सिंबल भी होता है, आप पढ़े होंगे इन 11th क्लास ऑल्सो कि कोहरा होगा तो क्या मौसम होगा, फॉग है तो ऐसा मौसम होगा, अगर स्नोफॉल हो रहा तो ऐसा, मतलब सिंबल्स क्या होंगे। तो मौसम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और वर्तमान समय, वर्तमान मौसम का मानचित्र, ये मौसम उपग्रह जो है, वेदर सैटेलाइट है, रडार है, एरोप्लेन पे बहुत ऊंचाइयों पे लिया जाता है, तापमान को लिया जाता है, आर्द्रता को लिया, फिर रेडियो सॉन्डी जो एक यंत्र है, उससे निर्धारित जो हवाएं हैं उससे प्राप्त जो आंकड़ों के आधार पर उसको तैयार किया जाता है सिनॉप्टिक चार्ट को। तो सिनॉप्टिक चार्ट या मौसम चार्ट, सिनॉप्टिक चार्ट या वेदर चार्ट, मौसम चार्ट कोई भी एक्सटेंसिव एरिया का, किसी विशेष समय का, वायुमंडलीय दशाओं, वेदर कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल नहीं बोल सकते, एटमोस्फेरिक कंडीशन का ज्ञान देता है, एटमोस्फेरिक कंडीशन को बताता है, क्योंकि हमको उसमें का सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है। और अभी ऐसा मौसम है तो हम बता बता पता चल जाता है, इतना आपको ये इंस्ट्रूमेंट में मेजर हो गया, टेम्परेचर इज 40 डिग्री, दैट मीन्स टेम्परेचर वेरी हाई, यहाँ पे गर्मी है, तो हमको तुरंत डेटा प्राप्त हो रहा है, तुरंत आंकड़ों की जानकारी हो रही है। ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बारिश होने की संभावना। तो ये जो डेटा प्राप्त हो रहा है एक निश्चित समय पे, हमको कुछ घंटों में ही हमको जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है उसका जानकारी प्राप्त हो जाता है, ताकि हम उसका प्रिडिक्शन कर सके। प्रिडिक्शन करेंगे डाटा अंडर प्रीबायोटिक और प्रोग्नोस्टिक चार्ट। तो मौसम का विभिन्न तत्व, बहुत तरह का एलिमेंट है, मौसम का बहुत तरह के एलिमेंट को मानचित्र पे हर जगह हम प्रदर्शित करते हैं। जब आप मैप में इसको शो करते हो तो आप एक निश्चित सिंबल्स बनाते हो, चिन्ह बनाते हो, जैसे आप मानचित्र, आप टोपोशिट बनाए होंगे, अगर देखे होंगे तो उसमें देखते हो कि हाँ रेलवे का ऐसा मार्क होगा, रोडवेज ऐसा होंगे, नदियां ऐसा होंगी, या सेटलमेंट ऐसा होगा, कुआं बना है, वेल बना है तो ऐसा होगा, ट्री है तो ऐसा होगा। एक सर्टेन सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं, एक निश्चित चिन्हों का यूज करते हैं हम लोग। तो इस चिन्हों को या फिर कलर के द्वारा, लाइंस के द्वारा उसको प्लॉट किया जाता है। तो वायु दाब का अगर हम मानचित्र पे अवलेखन करते हैं, लिखते हैं, अगर अगर आप वेदर प्रेशर को दिखाते हो तो आप आइसोबार के रूप में दिखाओगे, समदाब रेखा के रूप में दिखाओगे। और आइसोबार का यूनिट मतलब किस में दिखाते हो, उसका यूनिट क्या है, मिलीबार, तो मिली बार में इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो डेटा हमको प्राप्त कर रहा है, हो रहा है, उसको आप मानचित्र में दिखा रहे हो तो आप कुछ सिंबल्स के द्वारा दिखा रहे हो, आइसोबार के रूप में दिखा रहे हो, उसमें लिख रहे हो मिली बार। अगर डिप्रेशन है तो उसको वी के रूप में दिखा रहे हैं। तो बहुत सारा सिंबल्स है, कटक को, रिजेस को दिखा सकते हैं आप लोग, अगर फ्रंट किस तरीके का हो रहा है, शावर वर्षा किस तरीके की हो रही है, लाइटनिंग हो रहा है, तो इन सब का कुछ ना कुछ सिंबल्स है। और सिंबल्स हम बाद में आप लोग को भेज देंगे पीडीएफ में। तो सिंबल्स को मौसम मानचित्र पर दर्शाया जाता है। और ये जो मौसम चार्ट के अलावा कुछ सहायक चार्ट भी बनाया जाता है, उससे संबंधित एंसिलरी चार्ट भी बनाया जाता है। और इस पे कितना मौसम वेग, मतलब ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है वहां पे मैक्सिमम विंड का डायरेक्शन क्या है, जेट स्ट्रीम का क्या है, वर्षा क्या है, ड्यू पॉइंट कितना, उषांक कितना है, अधिकतम न्यूनतम, एवरीथिंग उसको उसको नोट डाउन किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। तो सिनॉप्टिक चार्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत सारे डायग्राम की भी आवश्यकता होगी, एरोलॉजिकल डायग्राम, मौसम रडार से अगर फोटो लिया गया गया है, मौसम उपग्रह से, सैटेलाइट से इमेजरी प्राप्त की गई है,
मौसम संबंधी अन्य आंकड़ों को भी उपयोग किया जाता है इसमें। तो इस तरीके से मतलब स्पष्ट है कि सिनॉप्टिक चार्ट का निर्माण किसी भी क्षेत्र के किसी विशेष समय में किसी स्पेशल ड्यूरेशन में भावी मौसम का पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रोग्नोस्टिक चार्ट का निर्माण जब भी हम लोग करते हैं तो वो सिनॉप्टिक चार्ट के आधार पे करते हैं और आगे कुछ घंटों में मौसम की दशाएं कैसे होने वाली है, मौसम का कंडीशन क्या होने वाला, उसको प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, पूर्व कथन करते हैं। तो मौसम ये पूर्वानुमानी चार्ट मुख्य रूप से धरातल सतह यानी जो आपका लैंड सरफेस है वहां का मौसम का दशा का प्रोजेक्शन किया जाता है और वायुमंडल का जो भावी दशा है उसका प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन किया जाता है। उसके आधार पे हम ये प्रीबायोटिक या प्राग्नोस्टिक चार्ट का निर्माण करते हैं। तो पूर्वानुमान में स्पष्ट है कि हम अगले 24 घंटे में मौसम की दशाएं ऐसी होने वाली है, आगामी घंटों में कैसे होने वाली है, मतलब पूर्व कथन के आधार पर। हालांकि पूर्व कथन कभी सच नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, पूर्व कथन यानी प्रिडिक्शन हमेशा सच नहीं भी होता है क्योंकि मौसम की दशाओं में अगले चंद घंटों में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो एक्चुअली जो वर्तमान वायुमंडलीय दशा है, जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है, उसके आधार पे हम आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। तो उनके अगले घंटे कैसे होने वाले हैं उसका मतलब सिंपल जो बोलते हैं ना एक्सट्रापोलेशन किया जाता है। तो वो कभी रिजल्ट सही भी हो सकता है, समटाइम्स इट इज रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कमी यही है, शॉर्टफॉल यही है कि इसमें मौसम दशाओं के निकट भविष्य में कुछ घंटों में जो परिवर्तन होने वाला है उसको ठीक तरीके से उसमें उसमें मेजर तो नहीं होता है, उसको तो हम पूर्वानुमान ही कहते हैं। यानी सिनॉप्टिक चार्ट जो बनाए, सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान का जो एक्यूरेसी है तो वो समटाइम्स गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये जो शॉर्टफॉल है, ये जो कमियां हैं, ये होते हुए इसके होते हुए भी सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान विधि अगले 24 घंटे के लिए मान के चलते हैं कि सही ढंग से किया जाता है, अगले 24 घंटे की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिनॉप्टिक मौसम पूर्वानुमान की विधि की जो एक्यूरेसी है, जो शुद्धता है, जो यथार्थता है, उसके आधार पर सिनॉप्टिक मॉडल बनाया गया, सिनॉप्टिक मॉडल का निर्माण किया गया। और इस मॉडल के आधार पर कैसा चक्रवात कैसा होने वाला है, मौसम की दशाएं कैसे होने वाली है, इन सब चीजों का पता लगाया जाए। तो ये हो गया आपका सिनॉप्टिक मेथड। दूसरा जो मेथड है, मैंने बोला था ना कि मौसम, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ मेथड वेदर फॉरकास्ट बताया, फर्स्ट इज इंडिविजुअल वेदर फॉरकास्टिंग, व्यक्तिगत पूर्वानुमान विधि, दो विधि है, एक तो व्यक्तिगत पूर्वानुमान विधि यानी इंडिविजुअल फॉरकास्टिंग, दूसरा मैंने बोला प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड, व्यवसायी मौसम पूर्वानुमान विधि। तो ये दो मेथड है। व्यक्तिगत में तो मैंने बता चुका है कि व्यक्ति विशेष का मौसम संबंधी अनुभव और वगैरह को ज्ञात करके मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरा जो है प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड, इसमें थ्री मेथड, प्रोफेशनल वेदर फॉरकास्ट मेथड थ्री मेथड, जिसमें पहला था सिनॉप्टिक, सिनॉप्टिक हमने किया, दूसरा है सांख्यिकीय और तीसरा है संख्यात्मक। तो तीन मेथड है, सिनॉप्टिक कर लिए हम लोग, तो अभी हम लोग करेंगे मौसम पूर्वानुमान की जो संख्यात्मक विधि है, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। सो न्यूमेरिकल मेथड ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग क्या है? न्यूमेरिकल मेथड नाम से स्पष्ट है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स से रिलेटेड, संख्यात्मक विधि। तो बहुत तरह का तरीके का हम लोग को स्रोत प्राप्त होता है, बहुत तरीके का हम लोग को सोर्सेस से जानकारी मिलती है मौसम संबंधी तत्वों की। तो बहुत सारे स्रोत क्या हैं, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, थर्मामीटर, थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर से आपको आर्द्रता, बैरोमीटर से आपको वायु दाब के बारे में पता चलेगा, रेन गेज से आपको वर्षा के बारे में पता चलेगा। तो उसके अलावा उपग्रह से, मौसम उपग्रह है, राडार है, रेडियो सॉन्डी है, इन सब से हमको मौसम संबंधी आंकड़ों की जानकारी होती है, मौसम संबंधी हमको डेटा को प्राप्त किया जाता है। और मौसम के विभिन्न तत्व, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे
चाहे वो धरातल पे हो, धरातल के ऊपरी भाग पे, निचले भाग पे, उसके आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। और इन आंकड़ा, ये आंकड़ा तो नंबर्स में है, तो यहाँ पे बोला जाता है न्यूमेरिकल मेथड ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये नंबर्स में है, बहुसंख्य आंकड़ों को के आधार पर फिर मॉडल बनाया जाता है, गणितीय समीकरण की जाती है, इक्वेशन को बनाया जाता है, मैनुअल कैलकुलेशन किया जाता है। तो धरातलीय सतह, जो लैंड सरफेस है, और जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसकी ऊंचाई पे मौसम की दशाओं के आंकड़ों को ज्ञात किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो आंकड़ों को ज्ञात करना, आंकड़ों को ज्ञात करना सांख्यिकीय मेथड, और गणितीय विश्लेषण के आधार पर मौसम पूर्वानुमान की विधि जो है, ये संख्यात्मक पूर्वानुमान कहेगी। संख्यात्मक मतलब संख्या में आपको प्राप्त हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप थर्मामीटर में अपना ये करते हो टेम्परेचर को, तो न कुछ तो नंबर्स में आएगा, आधर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर हम लोग बैरोमीटर में करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, नंबर्स में ही आना है इतना एमबी। तो मौसम पूर्वानुमान परिमाणात्मक है, नंबर्स पे आधारित है, नंबर्स ज्ञात हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान, वायुमंडलीय गैस, उसका मोशन संबंधी फिजिकल थ्योरी है, उस नियम के आधार पर वायुमंडल की दशा, परिघटना, फेनोमेना, तो ये सब का को ज्ञात करते हैं हम लोग, और उस आधार पे हम लोग मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। अब जैसे देखो, इसके बारे में जेई हॉब्स ने क्या कहा है न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, क्योंकि गणितीय विधि के आधार पे या गणितीय मॉडल को, मतलब उसको और इजी बनाना है, सरल बनाना है, तो सरल सरल बनाएंगे तभी जाके हम उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। और गणितीय समीकरण जो है, या फिर कैलकुलेशन है, इक्वेशन है, इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि इसमें जो वाटर वेपर है या फिर जो हीट है, उसको हम लोग कंजर्व कर सकें, बचा सके। मान लो इन्वायरमेंट में बहुत कुछ हम लोग को मिल रहा है जो मौसम का एलिमेंट है, लेकिन हम तो सिर्फ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी तो प्राप्त कर रहे हैं, अगर मौसम में इतना है तो उसको हम कैसे, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे हम संरक्षित करें। तीसरा बताया, बोला उन्होंने, जो स्थानीय मापक का चयन जो है वो सावधानी से होना चाहिए, यानी कि अगर हम ग्रिड बनाते हैं, जैसे आप लोग रिड्यूस मैप को रिड्यूस करते हो, इनलार्ज करते हो, तो उसमें ग्रीड बनाते हो ना, तो ग्रीड का आकार छोटा होगा तो मोर एक्यूरेट होगा, ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसलिए बोला गया ग्रीड का आकार छोटा होना चाहिए। तो मौसम का जो आंकड़ा है, जो डेटा का कलेक्शन है, वो ग्रीड विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी हर ग्रीड में एक एक नंबर्स को मान लिया जाता है, और उसमें नंबर्स को फिर हम लोग उस वो लोग क्या करते हैं, जो तत्व है, उन जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, तब जाके मैथमेटिकल मॉडल का रचना हो पाता है। तो गणितीय मॉडल की रचना, इन सब आंकड़ों को तो फीड कर दिया कंप्यूटर में, वो फिर उसको एनालाइज करके दे रहा है, एनालाइज करके बता रहा है। तो मौसम गतिविधि जो हो रही है, जो भी मोशंस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको डेटा को उसमें फीड होता जा रहा है। ये सब तो हम लोग को, ये सारा कुछ मैकेनिकल है, ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहे, और इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात हो रहे हैं हम लोग को। तो यहाँ पे वायुमंडलीय गतियों की दशा जो है, या फिर कैसी दशा है, उसको फिर चार्ट बनाया गया, कंप्यूटर आधारित बनाया गया, और ये जो सांख्यिकीय मॉडल को इस तरीके से बनाया जाए ताकि उसका हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सके, जैसे मतलब ना प्राग्नोस्टिक चार्ट को बनाया जा सके। देखो, डेटा जो प्राप्त होता है वो तो वर्तमान समय का ही डेटा प्राप्त हो रहा है, अभी अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो अभी का हमको डेटा नोट हो रहा है कि इतना टेम्परेचर है, इतना ह्यूमिडिटी है, लेकिन इस डेटा के आधार पे ही तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको पूर्व कथन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान ये कंप्यूटर आधारित है, कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है, प्रोग्नोस्टिक चार्ट का निर्माण किया जाता है, तब जाके हम उसको प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो एक तो ये है कि मौसम पूर्वानुमान करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि ये जो मौसम प्रिडिक्शन करते हैं, इसकी दोनों विधि को मिला जुला के उपयोग करे, तब इसका काफी हद तक सही हो सके। यानी दोनों विधि क्या,
एक तो परंपरागत विधि है यानी सिनॉप्टिक विधि है, संख्यात्मक विधि है, फिर गणितीय विधि है, सबको मिला जुला के उपयोग करें। दूसरा है मौसम पूर्वानुमान के लिए बहुत सारे जो संख्या को यूज कर नंबर्स को यूज करते हैं, मतलब नंबर्स उसमें आते हैं, गणितीय मॉडल के आधार पे उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसको फिर मॉडल बनाया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है ऐसा है तो ऐसा हो। तो कई बार मॉडल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको चूज करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। अगर मान लो कंप्यूटर कोई जो न्यूमेरिकल मेथड के आधार पे मौसम की कई सारी घटना हो, जैसे या फिर कोई बवंडर आ रहा है, भंवर आ रहा है, तो अगर उसको हम लोग नहीं छोड़ दिए, गलती से वो छूट गया वो चीज एलिमेंट, तो उससे तो स्थानीय स्तर पे मौसम प्रभावित हो गया। मैंने उसको छोड़ दिया था, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया, उसको लिया ही नहीं मैं, तो फिर वो तो प्रिडिक्शन फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डेटा है सबको ठीक तरीके से एनालाइज करना है, कंप्यूटर में जितने भी डेटा है उसको फीड किया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के कंप्यूटर जनित जो भी मॉडल है, जो भी हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, ये काल्पनिक वायुमंडल को ही दर्शाता है, मतलब एटमॉस्फेयर को ही दर्शाता है। हम कभी कभी पूर्व कथन करते हैं, मतलब मान लो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं वायुमंडलीय दशा ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी डेविएट हो जाता है, सही नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि इसको कैलकुलेशन ठीक तरीके से करना, हर एक एस्पेक्ट को देखना होगा। तो हर एक संख्या, यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड की बात हो रही है, हर एक नंबर्स, गणितीय मॉडल जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो मॉडल है, उसका एजम्पशन मॉडल में प्रयोग किया गया, तो उसको बारीकियों को ध्यान देना है, यानी सोफिस्टिकेशन ठीक तरीके से हो, ताकि उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी ना हो, थोड़ा सा भी गड़बड़ ना हो। और जो तीसरा मेथड था वो है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी सांख्यिकीय विधि। सांख्यिकीय विधि क्या है? मौसम पूर्वानुमान की संख्यात्मक विधि को ही मतलब सांख्यिकीय विधि कहते हैं। तो सांख्यिकीय विधि यानी कि जो न्यूमेरिकल मेथड जो हम लोग पहले पढ़े संख्यात्मक, उसका ही एक फॉर्म है, उसका ही सप्लीमेंट है। तो सांख्यिकीय विधि संख्यात्मक विधि से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि सांख्यिकीय विधि का जो है वो लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी दीर्घ परिसर मौसम पूर्व, हम लोग पढ़े थे ना 28 वेदर फॉरकास्टिंग में, देर टू थ्री टाइप्स हम लोग पढ़े थे, शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट में हम लोग 48 घंटा तक का, उसके बाद मीडियम में फ्रॉम 3 मंथ्स का, और उसके बाद हम लोग लॉन्ग रेंज में हम लोग 1 साल तक का भी डेटा को कैलकुलेट करते हैं, मौसम पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो लॉन्ग रेंज में 1 महीना अगले ऋतु तक, अगला सीजन तक का भी प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिकल में ओनली ऑन डेली डेली बेसिस और वेरी शॉर्ट शॉर्ट रेंज इसको बोल सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल मेथड में यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग देख रहे हैं डेली जो हमें डेटा प्राप्त हो रहा है, आंकड़ा प्राप्त हो रहा है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग यार, जो दैट मींस कि हम लोग शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्ट में। और जो दूसरा, अभी तीसरा जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड वेदर फॉरकास्ट, मौसम पूर्वानुमान की सांख्यिकीय विधियां, अब दोनों कैसे डिफरेंट है? दोनों तो नंबर्स ही है, इट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, और ये इसको बोला जा रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकीय विधि, और पहला को बोला जा रहा है संख्यात्मक विधि। तो संख्यात्मक और सांख्यिकी में मेजर डिफरेंस यही है कि संख्यात्मक में हम लोग डेली बेसिस पे जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं देन प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोग लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? दीर्घ परिसर मौसम पूर्वानुमान अगले 1 महीने के लिए कर सकते हैं, अगले के सीजन के लिए कर सकते हैं, या अगले 1 साल के लिए भी हम लोग मौसम पूर्वानुमान कर सकते हैं। यानी कि अभी ऐसा गर्मी है तो हम लोग पूर्वानुमान करते हैं कि अगर मॉनसून वीक होगा, बारिश कम होगी या ठंड अधिक होगी, तो वो इस तरीके का पूर्वानुमान होता है। तो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिकल मेथड के माध्यम से ही होता है। तो मेनली
वेदर फॉरकास्टिंग का जो दो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच दो है, एक होता है पास्ट डेटा अप्रोच, दूसरा होता है रेगुलरिटी अप्रोच यानी विगत आंकड़ा उपागम, और दूसरा होता है नियमितता उपागम। अब इसका क्या मतलब है, विगत आंकड़ा उपागम यानी पास्ट डेटा अप्रोच, नाम से स्पष्ट है पास्ट डेटा। तो ये जो अप्रोच है इसमें मौसम का जो भी एलिमेंट है, वेदर का जितना भी एलिमेंट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर सर्कुलेशन है, प्रेसिपिटेशन है, तो उसका पास रिकॉर्ड क्या है, उसका जो विगत अभिलेख क्या रहता है, उसको मौसम पूर्वानुमान का आधार बनाया जाता है, उसको बेस बनाया जाता है। तो मौसम के तत्व, ये मौसम का जो एलिमेंट है, जो पहले क्या इसका आंकड़ा था, विगत आंकड़ों का सांख्यिकीय विधियों जैसे, उसे फिर कोरिलेशन निकालेंगे, रिग्रेशन निकालेंगे, फैक्टर एनालिसिस निकालेंगे। आप पढ़े होंगे कोरिलेशन, या शायद प्रैक्टिकल में पढ़ना है आपको। तो इसका एनालिसिस के माध्यम से औसत मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, एवरेज वेदर रिलेटेड जो संबंधी जानकारी है वो हमको प्राप्त होती है। तो पूर्व में अगर रेगुलरिटी रहती है, नियमितता रहती है, तो मौसम की घटना का जो भविष्य में रेपिटेशन आवश्यक नहीं रहता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि मौसम की जो घटनाएं पूर्व में हुई है वही क्रम आगे भी चलता रहे। पहले अगर बहुत जोरदार बारिश हुई तो ये जरूरी नहीं कि आगे भी बारिश ही हो, पहले अगर बहुत आंधी तूफान आए तो आगे भी आंधी तूफान ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जलवायु विज्ञानी हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह का पूर्व कथन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम मौसम पूर्वानुमान देखते हैं, तो इंडिया का अगर मौसम देखें तो बहुत सारी चीजों पे मानसून को डिपेंड करता है। कभी आप देखते हो मानसून बहुत कमजोर है, वीक है, कभी बहुत स्ट्रांग है, कभी सदन एक्सीलेशन, कभी एल नीना, ला नीना, सभी तरह की जो के जा, को जो ये जो फेनोमेना है ये यहाँ का वेदर को इफेक्ट करता है। ये जो वाटर सर्कुलेशन है, एल नीनो है, ये सभी मतलब मौसम को तो इफेक्ट करता है ये। यानी जिस साल आप देखते हो एल नीनो बहुत स्ट्रांग है, अगर एल नीनो स्ट्रांग है तो ला नीना क्या होगा, वीक होगा। तो ला नीना वीक है यानी एल नीनो स्ट्रांग है, तो आप देखोगे कि हमारे देश में मॉनसून बहुत वीक होता है यानी बारिश कम होती है। ये जो हमारे देश में बारिश होती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी बारिश होती है, इन इन सब जगह आप देखोगे मॉनसून वीक हो जाता है, मॉनसून कमजोर हो जाता है। वही इसके अपोजिट दूसरी जगह आप देखोगे, आप एल नीनो और ला नीना पढ़े होगे पहले, तो उसमें देखोगे कि ये जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, और ये जो पेरू और चिली जो है, ये पेरू चिली है आपका साउथ अमेरिका में, तो उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे नॉर्मल से भी अधिक बारिश होती है। तो ये सब का इफेक्ट तो पड़ता है मौसम पे। तो जब एल नीना कमजोर, उसके अलावा उसके विपरीत आप देखो, जब एल नीनो वीक हो रही है यानी कमजोर हो रही है, यानी कि ला नीना क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, तब क्या हो रहा है, साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में, वेस्ट नहीं पूर्वी, ये ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे मॉनसून स्ट्रांग हो रही है यानी बहुत बारिश हो गई। और यहाँ बारिश हो गई है तो इसके वहां यानी चिली और पेरू का जो ईस्ट कोस्टल एरिया है वहां पे सूखे की स्थिति हो जाती है। और ये सब आप पढ़े होंगे, सदन एक्सलेशन, वॉकर सर्कुलेशन, इसको यहाँ वेदर फॉरकास्टिंग हम नहीं बता रहे हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो ये सब जो है, इन सब का इफेक्ट मौसम पे पड़ता है, वेदर पे पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मौसम पूर्वानुमान का अगर हम पहले का डेटा ज्ञात करें, विगत मौसम आंकड़ा उपागम जिसको कहा जा रहा है, वो कई तथ्यों पर आधारित होता है। तो यानी कि मौसम का जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो डेटा है, जैसे टेम्परेचर है, वायुदाब है, आर्द्रता है, वर्षा है, और सर्कुलेशन है विंड का, इन सब पे आधारित होता है। थर्मल एनामलिटीज पे भी आधारित होता है, तापीय विसंगतियां कैसी है यानी स्थलीय भाग में कैसा तापमान है, सागरीय भाग के सतहों पे कैसा तापमान है,
ये जो फोटोस्फेयर है, जो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, या फिर जो सन स्पॉट जिसको कहा जाता है, जिसमें बोलते हैं ना कि ब्लैक ब्लैक से दिखाई देता है, सौर कलंक जिसको बोलता है, उसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ये इन सब का हम लोग को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक चीज गड़बड़ हुआ तो दूसरा चीज भी गड़बड़ होगा, यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा तो वहां पे ऐसा, ये चीज मतलब सारा कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम देखें कि तापमान और वायु परिसंचरण सर्कुलेशन के बीच जो संबंध है, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ऐसा है, आप समझ रहे हो कि अगर ज्यादा है या कम है, व्हाटएवर जो भी है, तो वायुमंडल की दशा ऐसी ही होगी। कभी आप देखो कि जेट स्ट्रीम तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब उस वहां पे कैसी मौसम की प्रवृत्ति होगी, वायु का दशा कैसा है, मोशन कैसा है, गति कैसा है, अगर वहां पे ज्वालामुखी उद्बोधन ये उद्भेदन हो रहा है, वॉल्केनिक इराप्शन हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा वायुमंडल पे। यानी वायुमंडल पे ज्वालामुखी का धूल का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आप वॉल्केनिक इराप्शन होता है, बहुत ज्यादा स्टीम निकलता है, बहुत डस्ट निकलता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है मौसम पे, वहां के एटमोस्फेयर पे। तो इन सब चीजों का मौसम पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो बोला गया है विगत मौसम आका उपागम, यानी पास्ट डेटा अप्रोच। दूसरा जो डेटा अप्रोच है, रेगुलरिटी अप्रोच, नियमितता उपागम। अब नियमितता उपागम क्या है? रेगुलरिटी, नाम से स्पष्ट है, रेगुलरिटी नियमित होना, आवर्तिता जिसको बोलते हैं, पीरियोडिसिटी अप्रोच। तो इस उपागम में, इस अप्रोच में एनालॉग, इसको एनालॉग विधि भी कहा जाता है। अब ये क्या है एनालॉग विधि? मौसम का जो पूर्वानुमान किया जाता है, जो ये जो मौसम की इस विधि में मौसम की दशाओं की नियमितता पे आधारित है। नियमितता मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, समान मौसम की घटना का भविष्य में पुनरावृत्ति होगी। यानी जैसे बोलते हैं ना, आवृत्ति, अभी ऐसा है तो आगे भी ऐसा होगा, रिकरेंस होगा, रेपिटेशन होगा, भविष्य में भी पुनरावृत्ति होगी। तो इस अप्रोच में बहुत सारे सांख्यिकीय विश्लेषण को रखा जाता है। जैसे बार बार घटने वाली मौसम घटनाएं क्या है, आप देखते हो वायुमंडल में या इस धरातल पे मौसम की क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं बार बार, या फिर हम कोई नेचुरल डिजास्टर देखो, बार बार क्या घटनाएं घटित होती है, आप देखते हो कहीं बार बार बाढ़ आता है, कहीं बार बार सुखाड़ आता है, सूखा आता है, कहीं बार बार ये साइक्लोन आता है, टॉर्नेडो आता है, तूफान आता है। तो ये सब बार बार आप देखते हो कि इसका फ्रिक्वेंसी होता है बार बार, मतलब पूर्व में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति देखी गई है। तो ये नियमितता उपागम के अंतर्गत है, यानी ये पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार मौसम की घटनाएं जो है ये बार बार घट रही है, ये जो चक्रवात आ रहा है, ये जो साइक्लोन आ रहा है, ये बार बार हो रहा है, तो ये तो साइकिल चल रहा है। तो और दूसरा ये बोला कि जो बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जैसे हरिकेन है, टॉर्नेडो है, क्लाउड बर्स्ट अचानक से हो जाता है, तो ये भी कभी कभी देखा है कि बार बार हो रहा है। हाल के वर्षों में आप देखिए, सुने होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था 4 साल पहले, उसके पहले आप सुने थे ये मुंबई में अचानक से बादल का फटना, बहुत ज्यादा बारिश हो गया था समय, और फ्लडेड भी हो गया था। तो कई जगह है, केरल में आपने सुना था कि इतना ज्यादा ये अभी नाउ अडेज काफी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मौसम में चेंज आ रहे हैं, हमारी वायुमंडलीय दशाओं में चेंज आ रहे हैं, तो मौसम की जो घटनाएं हैं उनकी जो पुनरावृत्ति होती है, बोलते हैं ना सिक्वेंशियल टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसको बोलते हैं चक्र चलना, एक चक्र ये चला फिर आया, जैसे साइक्लोन आ रहा है तो ये अभी आया है फिर आएगा साइक्लोन, आप जानते हो कि उड़ीसा के तट पे हमेशा साइक्लोन आता है, तो ये चक्रीय घटना है, सिक्वेंशियल है, फ्रीक्वेंसी में आते रहता है, ये आएगा आपका रेगुलरिटी अप्रोच में। तो मौसम का ऐसा एनालॉग जो पहले घटित हुआ है, पहले हो चुका है और भविष्य में भी होगा, तो ये दैट कम्स अंडर रेगुलरिटी अप्रोच। यानी कि एल नीनो, जैसे आप सुनते हो एल नीनो आता है, बार बार आता है, ये जो फेनोमेना है एल नीनो और लानीना का फेनोमेना, तो ये तो बार बार आता है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, तो ये दैट इज अंडर रेगुलरिटी अप्रोच। तो मौसम का जो सांख्यिकीय पूर्वानुमान विधि है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन सबका पूर्व कथन किया जाता है, सबका प्रिडिक्शन किया जाता है, तो
तो इस विधि से हमको ये पता चलता है कि इस वर्ष बारिश एवरेज रेनफॉल इतना होगा या एवरेज रेनफॉल कम होगा ना अधिक होगा कि कितना होगा, तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर पे आधारित है। तो यहाँ पे मौसम की दशा ठीक तरीके से है कि नहीं, यानी पूर्व कथन जो हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो कैसे संभव है ये, इसका सही सही पूर्व कथन होना संभव संभव है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मौसम की जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो पूर्व सूचना हम लोग देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं कि वर्तमान समय में हम लोग तो कंप्यूटर से इसको यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर से इसको प्रिडिक्ट किया जाता है, सब कुछ एनालाइज करके उसको फिर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इन सभी तत्वों का, मौसम के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इसको बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है, सारे डेटा को फीड कर दिया गया, फिर उसको बताया गया कि ऐसा होने वाला। तो अभी तक हमने पढ़ा मौसम का जो पूर्वानुमान है, जो भी फोरकास्टर है उसका एक हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। मौसम का पूर्वानुमान की जितनी भी विधि, जब अभी हम लोग पढ़े सिनॉप्टिक, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल, सबको मिला करके हम मौसम का पूर्वानुमान करने का प्रयास करें। तो मौसम पूर्वानुमान का प्रकार यहीं पे समाप्त हुआ, मेथड्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट वी विल डू द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? ओके गर्ल्स, तो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक, सो योर क्लास विल स्टार्ट एट 12:03, 12:03 पे हम लोग शुरू करेंगे। सो वी हैव 10 मिनट ब्रेक नाउ, सो बी इन द क्लास, डोंट लीव द क्लास।
रफुनगल्स, सब लड़कियां भाग रही हैं क्लास छोड़ के। हाँ ओके, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। मौसम पूर्वानुमान की समस्याएं और संभावनाएं, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट क्या है? जैसे कि अभी बताया गया कि मौसम पूर्वानुमान की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये स्थायी नहीं है, ये गतिशील है। मतलब इसमें मोशन होता रहता है, उसमें कुछ चेंजेस होता रहता है, डायनेमिक। तो उस दूसरे उसे मतलब एक तो ये है कि गतिशील है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आज टेम्परेचर ऐसा है तो कल ऐसा होगा, आज बारिश हो रही है तो कल नहीं हो रही है, आज वायु दाब अधिक है तो कल कम भी हो सकता है। दूसरा कि उसको अभी तक अच्छे तरीके से समझा नहीं जा सका, मे बी साइंटिस्ट उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। तो मौसम मौसम पूर्वानुमान की समस्याएं बहुत हैं, अनेक समस्याएं हैं। इसमें से कुछ समस्याएं हैं, उसमें पहला नंबर पे है मौसम का जो प्रिडिक्शन किया जाता है, उसका यूज करने वाले जो लोग हैं उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए मौसम प्रिडिक्शन का क्या यूज है, क्या रिक्वायरमेंट है? या फिर हम बोले जैसे किसान के लिए, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। आप एक जनरल पब्लिक में आते हो, कॉमन पीपल में आते हैं हम लोग, तो हमारा अलग रिक्वायरमेंट है। प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका अलग रिक्वायरमेंट है। फ्लाइट्स में जाने वाले एविएशन इंडस्ट्री के लिए इसका अलग रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए अलग है। फिर ये कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। मेडिकल सेक्टर के लिए अलग है। तो इन सभी सेक्टर, जो भी सेक्टर्स हैं, मौसम संबंधी अलग अलग प्रकार की वो लोग भावी सूचना की उसकी डिमांड होती है, मांग होती है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो मौसम वायुमंडल का जो दशा है, अभी जो कंडीशन है, जो सर्कुलेशन होता है, उसके विषय में बहुत सही जानकारी भी नहीं उपलब्ध होती है, जानकारी का अभाव होता है। तीसरा ये हो सकता है कि जो स्पेशियो टेम्पोरल स्केल है, यानी कि स्थानिक और कालिक मापक की समस्या, इसे स्थान विशेष और समय विशेष, मौसम पूर्वानुमान कितने समय के लिए किया जाए, कितने बड़े क्षेत्र के लिए किया जाए, कितने उस क्षेत्र में एप्लीकेबल है कि नहीं है। चौथा ये हो सकता है उसका ड्यूरेशन का समस्या। मौसम पूर्वानुमान बोला गया 2 घंटे होगा, हो गया 5 घंटे बारिश, तो ये अवधि की भी समस्या हो सकती है। पॉल्यूटेंट्स जो है, जो प्रदूषक हैं, ह्यूमन बहुत सारे पॉल्यूट्स को निकालते हैं, तो ये इसके ह्यूमन बीइंग की वजह से भी बहुत सारे वायुमंडलीय सिस्टम में जो है कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मौसम का जितना भी तत्व है, जितना भी एलिमेंट्स है, स्पेशली जो महासागर के सतह पे या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसको ठीक तरीके से लिखता नहीं है लोग, मतलब अभिलेखन ठीक से नहीं होता है, तो ये सब बिग प्रॉब्लम है। यहाँ पे आंकड़ा तो प्राप्त हो जाता है, बहुत सारे तरह का आंकड़ा प्राप्त होता है, उसको एनालाइज ठीक है, मतलब हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाता, हैंडलिंग की समस्या हो जाती है। यहाँ पे अगर जो ये जो मौसम की जो यूनिक वेदर फेनोमेना है, जैसे टर्बुलेंस है, विक्षोभ होता है या फिर भंवर आता है, तो इन सब का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वायुमंडल में। तो लोकल लेवल पे इन जो भी जो यूनिक वेदर फेनोमेना है, ये लोकल लेवल पे इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ये छोटी छोटी परिघटनाओं का जो
जो फेनोमेना है उसका प्रिडिक्शन करना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। बहुत सारी कैलकुलेशन को यूज किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है, मॉडल्स बनाया जाता है, इन सब बहुत, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है। मौसम संबंधी जितनी भी आंकड़ों को ज्ञात किया जाता है, डेटा को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, उसका मेजर करना, उसको लिखना, उसको कलेक्ट करना, इन सब विधि में धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता है, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, बड़ी मार्जिन की आवश्यकता है। मौसम का जो भी ये आंकड़ा है उसका ठीक तरीके से प्रबंधन, प्रोसेसिंग से मौसम पूर्वानुमान में जो तभी जाके उसमें ठीक तरीके से प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा ये कि जो ये जो शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग होती है, लघु परिसर पूर्वानुमान जिसको अल्पकालिक पूर्वानुमान कहा जाता है, उसमें 12 घंटा या 1 दिन का पहले सूचना दिया जाता है, तो जनरल पब्लिक के लिए, एविएशन के इंडस्ट्री के लिए, एविएशन के लिए, विमानन के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मीडियम और लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग है जिसमें 1 सप्ताह, एक सीजन या 1 वर्ष तक की सूचना दी जाती है, पहले बताया जाता है, तो इसमें किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, नीति निर्धारक के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौसम पूर्वानुमान का जो मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी विधि तंत्रात्मक जो प्रगति है, इसके अलावा मौसम के जो तत्व है, वेदर का जो एलिमेंट्स है, इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और अभी इंस्ट्रूमेंट बहुत ओल्ड हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए, उसको और सुधार करने की आवश्यकता है, यंत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है, नए मौसम यंत्र उपकरण का आविष्कार, बहुत तरह के रडार का यूज हो रहा है, मौसम रडार का यूज हो रहा है। जैसे एक रडार है, मौसम रडार, जिसका नाम है नेक्सरैड, NEXRAD। तो ये NEXRAD यानी नेक्स्ट जनरेशन वेदर रडार, इसका उपयोग हो रहा है, काफी आविष्कार हुआ भी है। ASOS जो ऑटोमेटेड सरफेस ऑब्जर्वेशन सिस्टम, या फिर लिडार, LIDAR, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग सिस्टम, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो बहुत बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया जा रहा है। और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, बहुत संभावनाएं भी हैं मौसम पूर्वानुमान में सुधार की, क्योंकि डे बाय डे कई सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत सारे तरह का आविष्कार हो रहा है, उपकरण का, यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं मौसम पूर्वानुमान में सुधार की आवश्यकता है। अब आते हैं भारत में, भारत में क्या कंडीशन है, क्या है मौसम पूर्वानुमान पर। तो भारत में मौसम पूर्वानुमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारा देश गांव का देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मौसम पूर्वानुमान बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देश का देखा जाए तो हमारा देश का 70% पॉपुलेशन आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, 70% जनसंख्या तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, हंटिंग गैदर वगैरह आते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। और तो भारत भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो ये मुख्य रूप से कृषि पे ही आधारित है। अगर कृषि गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भी बारिश का इधर उधर हो, तो बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ट्रेजिडी देखने को मिलता है। तो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विभाग मौसम पूर्वानुमान करता है, और उसकी सारी जो प्रोसेस है, जो भी औपचारिकता है, उसको संभालता है। और ये भी 3 स्तर पे ये भी पूर्वानुमान किया जाता है भारत में भी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 स्तर, एक लॉन्ग रेंज है, दूसरा मीडियम है, तीसरा शॉर्ट रेंज है, मीडियम है, लॉन्ग रेंज है। तो पहला जो है लघु परिसर पूर्वानुमान, बेसिकली वो 48 आवर्स के लिए, डेली यूजेस के लिए, दैनिक अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है, क्लाउड कवर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब हम आगे 48 आवर्स के लिए पता लगा लेते हैं, या फिर प्रिडिक्ट किया जाता है शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट में हमारे भारत में। दूसरा होता है मीडियम रेंज फॉरकास्ट, जिसमें 48 आवर्स से लेकर 10 दिन के लिए,
मध्य परिसर पूर्वानुमान, और तीसरा है दीर्घ परिसर पूर्वानुमान लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, अगले ऋतु यानी खासकर ग्रीष्म काल मानसून का जो आगमन होता है, फिर उसका जो इंटेंसिटी कितना है, वर्षा की मात्रा कितनी है, इन सब के लिए किया जाता है। तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग बहुत सारे जिलों में अवस्थित है भारत में, और यहाँ पे बहुत सारे वेदर ऑब्जर्वेशन सेंटर खोला गया है, मौसम वेधशाला खोली गई है, स्टैब्लिश किया गया है, वहां से सरफेस का या फिर मौसम उपग्रह जो है इनसेट है भारत का, उससे वायुमंडल की जानकारी, उससे आंकड़ा प्राप्त किया जाता है मौसम संबंधी आंकड़ा। इसका जो हेडक्वार्टर है IMD का, मौसम भारतीय मौसम विभाग, दिल्ली और पुणे में है, तो वहां पे इसका डेटा का कलेक्शन होता है। उसके बाद लघु परिसर मौसम पूर्वानुमान, उसको इस विधि से इसको मौसम का प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। इंडिया में भी एक विधि है ONWP, यानी कि ONWP का मतलब है ऑपरेशनल न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मेथड, ऑपरेशनल न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मेथड। तो ये जो ONWP विधि है, उसमें मौसम का जो भी ऑब्जर्वेशन सेंटर है वहां पर डेटा को जो कलेक्ट किया गया है, उस डेटा यानी आंकड़ों को फिर क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेशन के आधार पर, इक्वेशन के आधार पर, बहुत फास्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है, तब हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसको एनालाइज करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, डेली का हमको टेम्परेचर चाहिए, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, औसत दैनिक तापमान कितना है, एवरेज डेली टेम्परेचर कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, मोशन कितना है, सभी का आंकड़ों को ज्ञात किया जाता है और अगले 48 आवर्स के लिए इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। और भारतीय मौसम उपग्रह जो है, सैटेलाइट है इनसेट, INSAT, इनसेट से क्लाउड कवर और ये वायु दाब, एयर प्रेशर, उसका इमेजेस प्राप्त होता है, तो फिर उसका भी हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। उसके आधार पे हम लोग 48 आवर्स में होने वाली जो मौसम की दशा है, वेदर का जो कंडीशन है, उसका प्रिडिक्शन करते हैं। तो इंडिया में, भारत में मौसम पूर्वानुमान का जो कार्य शुरू किए थे सर्वप्रथम IMD के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, भारतीय मौसम विभाग के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, जनरल HF ब्लैंडफोर्ड, याद रखेंगे नाम, जनरल HF ब्लैंडफोर्ड, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ही इनिशिएटेड द वेदर फॉरकास्टिंग इन इंडिया। और इन्होंने 1882 से 1885 तक मानसून की दशाओं का अध्ययन किया था और उसका प्रेडिक्शन किया था, और इस आधार पर अध्ययन किया था, और इस पूर्वानुमान की जो ठंड की ऋतु में हिमपात की मात्रा कितनी है, इन सब को देख करके उन्होंने अध्ययन किया और बताया था। तो ब्लैंडफोर्ड जो है, जो डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे IMD के, उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान की प्रक्रिया की जो उसकी जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली इंडिया में जो उत्तर पश्चिम भारत में धरातल सतह पर आप देखते, ये जो लो प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर होता है न्यून वायु दाब की, उसकी तीव्रता पर, उसकी इंटेंसिटी पर ही मॉनसून कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा वो डिपेंड करता है। यानी लो प्रेशर, ये जो एयर प्रेशर है, वो हिमालय में हिमपात से भी सीधा संबंध रखता है। तो पिछला लास्ट अगर हम देखें विंटर सीजन में, हिमपात जितना अधिक होगा उतना ही लंबा अवधि तक
मतलब जितना लंबा अवधि तक होगा उतना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर की तीव्रता उतनी अधिक होगी, तो मॉनसून भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये बात एनालाइज करके, स्टडी करके डॉक्टर नहीं, जनरल एच एफ ब्लैनफोर्ड ने बताया था। तो बीता हुआ यानी जो प्रिसीडिंग जो शीतकाल है, जो विंटर है, उसमें हिमपात की मात्रा कम हुई, हिमपात की अवधि छोटी हुई। तो क्या हुआ, हिमपात भी कम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहां पे लो प्रेशर भी कम इंटेंसिटी वाला हुआ, तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मॉनसून इज ऑल्सो वीक, मॉनसून भी कमजोर हुआ। वही जाके फिर आगे क्या हुआ, 1888 में, इन्होंने 1882 से 1885 में अध्ययन किया था, एच एफ ब्लैनफोर्ड जो जो थे आईएमडी के फर्स्ट डायरेक्टर। आगे जाके 1888 में जॉन इलियट ने भारतीय मानसून की शक्ति का ऑस्ट्रेलिया के मौसम के तत्व और जो साउथ इंडियन ओशन है वहां का जो एयर प्रेशर है उससे, वहां के सिस्टम से जोड़ने की बात कही थी। इलियट ने क्या बोला था, इलियट ने बोला कि भारतीय मानसून का जब स्ट्रांग होता है इंडियन मानसून, या फिर जो वीक होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का मौसम और साउथ इंडियन ओशन में वायु दाब से संबंधित है, वहां का वायु दाब कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है इंडिया का मानसून। तो मौसम पूर्वानुमान ये 20th सेंचुरी में काफी, इसका जो जो पूर्व कथन किया गया, जो प्रोडक्शन किया गया, उसमें काफी प्रोग्रेस प्रोग्रेस हुआ था। और उसके बाद फिर 1904 में, 1904 में गिलबर्ट वॉकर ने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बनाया था, और उन्होंने कैलकुलेशन किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके आधार पर मौसम का प्रिडिक्शन किया था। तो वॉकर महोदय ने मौसम का जो पूर्वानुमान किया, वेदर प्रोडिक्शन किया, भारतीय मानसून की शक्ति जो स्ट्रेंथ है उसका प्रिडिक्शन अपने मॉडल में बताया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चीजों को शामिल किया था। जैसे उन्होंने बोला, ये गिलबर्ट ने, मई के लास्ट में अगर हिमालय पे हिमपात की मात्रा कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, उसका आकलन किया उन्होंने। साउथ अमेरिका में ये स्प्रिंग में कैसा एयर प्रेशर होगा, मॉरिशस में ये जो मई महीने में वायु दाब कितना होगा, फिर श्रीलंका में मई में वर्षा कैसी होगी, सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स को भी निकाला, और इन सब के आधार पर एक मॉडल तैयार किया था गिलबर्ट वॉकर ने 1904। फिर क्या हुआ, 1979 में भारतीय मौसम मानसून का जो पूर्वानुमान किया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है, उसके लिए वी थापलियाल, एक एक महोदय थे वी थापलियाल, थापलियाल ने डायनेमिक स्कॉटेस्टिक ट्रांसफर मॉडल बनाया था, लेकिन ये मॉडल उतना सक्सीड नहीं हुआ। भारतीय मौसम का भारतीय मानसून के विषय में उतना ज्यादा अच्छा से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर एक और महोदय है वसंत गोवारिकर ने उन एक कंप्यूटर मॉडल को विकसित किया था, और जिसे पावर रिग्रेशन मॉडल के नाम से जाना जाता है, उसको फिर भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए यूज किया गया, और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को डाला गया, जैसे एलिनो लानीना, पिछले वर्ष जो फेनोमेना हुआ था एलिनो वो कैसा था, नॉर्थ इंडिया में मार्च महीने का तापमान कितना होगा, सारे एस्पेक्ट को स्टडी किया, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनवरी फरवरी महीने में तापमान कितना होगा, या फिर सदर्न एक्सीलेशन कैसा है, अप्रैल में अर्जेंटीना में कैसा एयर प्रेशर होगा, इंडिया में मई में कैसा टेम्परेचर होगा, कितना होगा, इस सारे एस्पेक्ट को रीड किया था, और उसके आधार पर उन्होंने मौसम पूर्वानुमान दिया था और बताया था। तो गोवारिकल ने पावर रिग्रेशन मॉडल
में 1989 में संशोधन किया और बहुत सारे वेरिएबल्स के आधार पे उन्होंने मौसम पूर्वानुमान को बताया, प्रिडिक्ट किया, बताने की कोशिश की। वैज्ञानिक आधार पे अगर देखा जाए तो मौसम का वास्तविक पूर्वानुमान भारतीय, अगर हम देखें उसका रिलेशन, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। तो अगर हम गर्मी के दिन का मॉनसून अगर कमजोर होता है, अगर हम आम जनता में बोल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे जो स्टॉकिस्ट हैं, जो सीरियल्स जो होते हैं, अनाज को रखते हैं, वो गोदाम में सबको स्टोर करने लगेंगे। अब जिससे क्या होगा, स्टोर करके रख लेंगे तो बाजार में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, सीरियल्स की कमी हो जाएगी, तो वो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, उसका प्राइस राइज कर जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो फिर सप्लाई कम होगा तो फिर प्राइस राइज होगा। तो इसीलिए इंडियन जो गवर्नमेंट है बहुत आधिकारिक घोषणा नहीं करती है, थोड़ा इसको गुप्त नीति के अंतर्गत रखा जाता है। मौसम का जो पूर्व कथन है उसको सोच समझ कर ही जनरल पब्लिक में इसको बताया जाता है, भविष्यवाणी किया जाता है। भविष्यवाणी तो किया जाता है लेकिन आम पब्लिक में इसको उजागर नहीं किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखें गर्ल्स, आज के क्लास इतना ही होता है, अगली क्लास में करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। ओके, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओगे ना, पॉइंट्स जो मेन मेन है उसको थोड़ा नोट करते जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग में और ज्यादा क्लियर होगा। तो व्हेन यू राइट, तो लिखने से क्या होता है ना, दिमाग में और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ रहे हो? तो चलो फिर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू टुमारो। और मैंने कुछ बोला था आप लोग को, आप लोग खुद से नहीं बोल रहे हो कुछ, मैंने कुछ बोला था असाइनमेंट के बारे में, कब दिया था डेट? हाँ ट्वेंटी 9 का डेट है, 20 का था ना, सो नो वन हैज सबमिटेड। इंडिया का मैप, ये वर्ल्ड का मैप बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है? उतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, अपने हिसाब से इसको ऐसे एडजस्ट करो, क्योंकि वो बनाओगे ना तो एग्जाम में बना नहीं पाओगे। एटलस में भी दिया हुआ है, एटलस में देखे हो? सारे एटलस में दिया रहता है। हाँ, अगर कोपेंस के अनुसार लिखा है तो यू कैन ड्रॉ दिस, एक बार चेक कर लेना, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है बुक वाला तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एटलस। उतना कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है, उतना 30 यूज करोगे उतना एग्जाम में कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, इजी वाला बनाओ। मैंने कितना बताया ही था, ए बी सी डी ई, उसके बाद उसका कुछ कुछ डिवीजन है, तो वो तो बहुत 30 तक तो नहीं जा रहा है। नहीं, उसका नहीं करो, सिर्फ कोपिंग का करो ना, और सब लोग सबमिट करना है टाइम पे सबको। ओके okay?